बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा फरमान बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने आगे जरूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के लिए चार आदमी अच्छाई नेक सीरती की गवाही दे दें, इसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हम सहाबा इकराम ने अर्ज की, अगर तीन आदमी गवाही दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तीन पर भी। हमने अर्ज की, अगर सिर्फ दो आदमी गवाही दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी दें तब भी। फिर हमने ये ना पूछा कि अगर एक शख्स गवाही दे तो क्या होगा। सही बुखारी की हदीस है कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान के लिए चार आदमी ये गवाही दें कि ये अच्छा है, नेक सीरत है, तो अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, अगर तीन आदमी गवाही दें तो फिर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तब भी अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज की कि अगर दो आदमी गवाही दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तब भी ये जन्नत में दाखिल होगा। फिर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने ये ना पूछा अगर एक शख्स गवाही दे तो क्या होगा। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमेशा इखलाक के साथ दूसरों से पेश आया करें। जब आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे तब ही लोग आपकी गवाही दे सकते हैं। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे जरूर शेयर करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।